हमारे मेहमान मुकर्रम और आज के इस प्रोग्राम के ख़ीब ख़ास हसन मदनी हफीज़ा हमारे दरमियान तशरीफ़ ला चुके हैं जैसा कि आप जानते हैं आज का हमारे प्रोग्राम के केनवान से तरतीब दिया गया है इसलाह माशर हम सब की ज़िम्मेदारी है और इसके मुख्तलिफ़ पहलू हैं जिसमें से बहुत सारी कीमती बातें इन शिमत फरमाएंगे अब मैं मेहमान मुकर्रम से गुजारिश करता हूँ कि आप आएं और हमें अपने ख़िताब से मुस्फ़ित फ़रमा शेख ज़फ़र हसन मदनी हफिजा इनमद ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وَبَسَّ منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. फ़कदन अज़ीबा मोहतरफ सदर इजलास मुआजत शाम दीनी भाइयों और इस्लामी माओ और बहनों सबसे पहले तो अल्लाह तम और आप शिक्र अदा करें कि उसने ऐसी मुकदस मजलिस में हम तमाम लोगों को शिरकत की तोफ़ी नसीब फरमाई जिस मजलिस के मुतालिक नबी सलाते हैं आलमीन जहाँ ऐसी महफिलें होती हैं उन पर अल्लाह तहमत के फरिश्ते चारों तरफ छा जाते हैं अल्लाह ताला की रहमत उनको ढाप लेती है वरसल रही और उन पर शकीने का नजूर होता है मन इंदा। और अल्लाह ताला के पास जो मुकर्रबून और फरिश्ते हैं उनके सामने अल्लाह ताला उन लोगों का जिक्र ख़ैर करते हैं जो ऐसी महफिलों में शामिल होते हैं और सुन नबी दाऊद की रवायत कि नादा मुनादी मेरा समा आसमान से जब प्रोग्राम खत्म होता है महफिल बर्खास्त होती है तो उस मौके पर नादा आसमान से आवाज लगाने वाला आवाज लगाता है क्या आवाज होती है मगफूर कि ऐ लोगो वापस जाओ और ये बशारत लेकर के जाओ कि मगफूर लकुम तुम जितने गुनाह लेकर के आए थे अल्लाह ताला ने तुम्हारे उन तमाम गुनाहों की मफफरत कर दी है इंसान इन बशारतों को सुन लेने के बाद एहतसाब के साथ ऐसी महफिलों में बैठे तो कभी न उसको भागने की जरूरत उसका दिल नहीं चाहेगा क्यों इतनी फजीलतें उस शख्स के लिए हैं जो एहत के साथ बैठे एहतसाब कहा जाता है कि अल्लाह उसके रसूल ने जो अजर शवाब बयान किया है जो बशारतें सुनाई हैं, उस अजर शवाब के हासिल करने और उस बशारत के मुस्तक बनने की हम कोशिश करें और तमन्ना रखें हम इसलिए बैठे कि अल्लाह ताला हमें इन बशारतों से नवाज दे जरा सोचो कितनी बड़ी मक़फ़र बात है मेरे दोस्तों कितनी बड़ी बशारत है कि इंसान के सारे गुनाह माफ कर दिए जाए कोई मामूली बशारत तो नहीं है एहत के साथ इस बशारत की लालच में इसको हासिल करने के नियत और इरादे के साथ हमें बैठना चाहिए आज का जो इजलास है और जिस मबूक पर हमें कुछ गुफ्तगु करने या इस आज के इस प्रोग्राम का जो रईसी वनवान है इसलाहे मुआशरा इस्लाह इसलाह मुआशरा क्या चीज़ है इस्लाह के माने आते दुरुस्त करना अरबी जबान में कहा जाता है आपकी घड़ी भी खराब हो जाए आपका घड़ी बंद हो जाए आप इसको किसी ऐसे दुकानदार या ऐसे इंसान के पास लेके जाए जो आपकी खराब हुई बिगड़ी हुई घड़ी को बना दे फिर काम की हो जाए तो आ जो बैठ करके के इस बिगड़ी हुई घड़ी को सही करता है उसको कहा जाता मुसले और उसे अमल को कहा जाता तो है इस्लाह मेरे भाइयों का माना तो ये जो आपने समझ लिया कि बिगड़े हुए बिगड़ी हुई चीज को बना देना खराब चीज को दुरुस्त कर देना इसका नाम है इसलाह और मुआशरा किसको कहते हैं मुआशरा असल में कहा जाता है ये इशरतहा अरबी जबान उर्दू में बोलते हैं ये लफ्ज एक आम सा है इसका असल मादा है जो उर्दू में हम लोग इशरत या इश्रत। मेरे भाइयों मुआशा ये मुफारा, मुफारा से ही। इसका माना होता है कि इस दुनिया के अंदर हम एक दूसरे के साथ जिस माहौल में हम जिंदगी गुजारते हैं जो मामला जिस कु कुदा, कोई गुफ्तार और किरदार जिन बुराइयों और जिन अच्छाइयों में हम जिंदगी गुजारते हैं लोगों के साथ जो हमारा मामला होता है उसको कहा जाता है मुआशरा। जैसे कि सूरत के अंदर अरबीन ने मर्दों को खिताब करते हुए फरमाया वे बिमारूफिन ऐ लोगो ऐ मर्दो अपनी बीबियों के साथ खूब अच्छा मुआशरा रखो बीवी के साथ उठने में बैठने में उसकी गलतियों में उसकी कोताहियों में उसकी खूबियों में आप अच्छा रवैया इख्तियार करें इसको कहा जाता है अच्छा मुआशरा तो आप हजरात ने जब इस मुआशरा का माना समझ लिया कि हम जिस मुआशरे में रहते हैं वो अमन का है सलामती का है नेकियों का है अल्लाह तला की फरमा का है तौहद सुन्नत का जो पैगाम इस्लाम ने हमें दिया है उसी के रोशनी में गुजारने का नाम एक अच्छा मुआशरा है और जहाँ इस्लाम को हमने छोड़ दिया इस्लामी तालीमत को तरक कर दी हमारी जिंदगी में अब तरह तरह की बुराइयाँ मुनकरात बेहियाँ फाशी रिश्वत शोध, कतलो गीबा तो चुंगली ये सारे आमान हमने शुरू कर दिया तो इसको कहा जाता है फसादे मुआशरा जैसे कि रब्बुल आलमी ने साथ नमाया दो फिल और वह तो कत्म एलोगो तुम्हारा मुआशरा बड़ा अच्छा रहेगा कब तक जब तक तुम इस्लाम की पाबंदी करते रहोगे तुम्हारा मुआशरा अच्छा मुआशरा होगा कब तक जब तक इस्लामी तालीमात तुम्हारे अंदर मौजूद होगी फहल असई तुम इतवल तुम अलतुफ से दो फिल लेकिन ये किताबुल्लाह ये सुन्नत रसोल्लाहमतल की तलीमत और हदायत ये कुरानी तालीमात जो बरकतों से भरी हुई है इनसे अगर तुमने मुंह बोढ़ लिया तुमने रूग अरदानी किया अगर तुमने इस्लाम को छोड़ा कुरान को छोड़ा नबी की सुनना तो नबी के तरीके को छोड़ा तो याद रखना अल तुफ से दो फिल अर्द अब तू इस जमीन में फसाद फैलेगा और इस जमीन में तुम बिगाड़ पैदा कर दोगे अब तुम्हारा मुआशरा फसाद का शिकार होगा तो पता ये चल गया मेरे भाइयों सारा मामला है इस्लामी तालीमत पर अमल करने का अगर हम इस्लामी तालीमात पर अमल करें तो वही इस्लाह मुआरा है अगर हम इस्लाम को छोड़ दे इस्लामी तालीमत को तरक कर दे हम तो ईद को छोड़े शिरक पर आ गए अब मुआरा कभी दुरुस्त नहीं रह सकता क्यों सबसे बड़ा बड़ी बिगाड़ और सबसे बड़ा फसाद कुरान ने बयान किया शिरक होता है अब मुआरा हमारा बिगड़ जाएगा हमारे नबी की जो सुन्नत है वो रहमत और बरकत है अगर नबी की सुन्नत को छोड़ करके के तरह तरह की विदायात में मुबतला हो गए तो हमारा मुआशरा फसाद का शिकार हो गया हमारे अंदर बिगाड़ पैदा हो गया अब हम अब नमान और सुकून की जिंदगी नहीं गुजारेंगे अल्लाह आलमीन ने माँ बाप के ता तो फर्मा बरदारी का हुक्म दिया है अगर माँ बाप की फरमाबरदारी बरदारी हम तरक करते हमारी नौजवान औलाद तो इसका मतलब है हमारा मुआशरा खराब हो गया माँ बाप को लाने से मेदार फहराया है या आ मनू ओ अन फकुमी कुमन ईवान वालो खुद अपने आप को जहन्नम से बचाओ और अपनी औलाद की सही तालीम तरबियत करके अपने औलाद और अपने बच्चों को भी जहन्नम से बचाओ जब हमारे माँ बाप को सिर्फ फिकर ये हो गई कि बच्चे को तालीम वो दे जो ऊंची से ऊंची तनख्वाह उठाने वाला हो जाए और अच्छे ऐसे कोर्स कराओ कि बेहतरीन किस्म का हमारा बेटा ऑफिसर बन जाए अल्लाह को पहचाने या ना पहचाने नमाज की पाबंदी करे या ना करे शरीयत की पाबंदी हो या ना हो जब हमारे माँ बाप की निगाह इस बात पर हो गई औलाद कैसी भी हो लेकिन दुनिया कमाने वाली हो अब फसाद आ गया हमारा मुआशरा बिगड़ गया अब सारे माँ बाप सर पकड़ के बैठे हुए क्यों न बेटी उनके बाद ए, ए, उनके ए, ना उनके कब्जे में रह गई है और न बेटे उनके हाथ में है बेटी भी हाथ से निकल चुकी है और बेटे भी आवारा निकल चुके हैं अब फसाद तो होना ही होना है फसाद क्यों हुआ हमने इस्लामी तालीम को तरक कर दिया तो मेरे भाइयों इस्लाह मुआशरा में सबसे पहली चीज क्या है तो इस्लाम को नाफिज करना तो सुन्नत माँ बाप की फरमाबरदारी औलाद की सही तरबियत सूद रिश्वत हराम कारियों से बचना इन तमाम चीजों से हम बचेंगे तो हमारा मुआशरा बड़ा अच्छा रहेगा अल्लाह फर जब तक ये यह हमारे यहाँ हमारा मुआशरा दुरुस्त था हमारे माँ बाप औलाद की तरबियत का ख्याल रखते थे और आराम की तमीज थी एक पड़ोसी पड़ोसी का हक पहचानता था उस वक्त का आलम जरा देखें हमारा मुआसरा कितना अच्छा था कितना दुरुस्त था ये इसे इस्लामी जंग में ए, ए, कुफार के हाथों बाप भी गिरफ्तार हो गया और बेटा भी गिरफ्तार हो गया दोनों जिहाद में थे बाप भी बेटा भी दोनों कुफार से जिहाद में थे जिहाद में ए, कुफार के हाथों ये दोनों बाप बेटे लग गए और कुछ मुसलमान और काफिरों ने इनको कैद किया इन मुस्लिम मुजाहिदीन को एक कमरे में ले जा करके डाल दिया और सर्दी का मौसम था जो लोग आम कैदी थे वो तो लेट के आराम कर रहे हैं एक नौजवान एक नौजवान बैठ के सोच रहा है, बूढ़ा बाप सो लेटा हुआ है और एक नौजवान दीवार से टेक लगाए सोच रहा है बड़ा गमगीन है बड़ा अफसुदा है बहुत ही परेशान है बहुत ही टेंशन में है लोगों ने कहा क्या हो गया कैदी होने के अफसोस है माँ से दूर इसलिए अफसोस का नहीं न बीवी की फिक्र है न बच्चों की फिक्र है न माँ की तनहाई की फिक्र है है हम अपने इस बूढ़े बाप की कर रहे हैं क्या हो गया है अभी आराम कर रहा है सर्दी का मौसम है अभी रात के आखिरी हिस्से में ये उठते हैं तहजुद की नमाज पढ़ने के लिए जब ये रात को तहजुद की नमाज के लिए उठेगा मेरा बाप घर में था माँ गरम पानी करके देती थी ठंडी का मौसम है और बाप बात नहीं सुने के तहजुद की नमाज जरूर पढ़ेंगे पानी भी ठंडा है मौसम भी ठंडा है पानी पोषने के लिए हाथ कपड़े तक मैसर नहीं है अभी थोड़ी देर में हमारा ये बूढ़ा बाप उठेगा तहजुद की नमाज पढ़ने के लिए मुझे फिक्र ये है कि मैं अपने बाप को गर्म पानी कहाँ से लाके दू इंसान जब इस्लामी तालीमत के रोशनी में दोस्तों हमारा मुआरा है उस वक्त मेरा देखो कितने अमर अमान का मुआशरा हमारा है बाप सो रहा है और बेटा कैदी है और रात रात को चक करके परेशान है कि मेरा बाप तहद की नमाज के लिए उठेगा तो हम उसको गर्म पानी वजू किए कहा से लाके देंगे बहुत देर तक सारे एतराज करने वाले भी सो गए गया पानी लिया मिटो बना लोटा रखा हुआ था पानी भरा सारे कैदी सोए हुए हैं और वो नौजवान बेटा लोटे में पानी भरा और पर करके लाने के बाद दीवार से टेक लगाया और अपनी दोनों टांगे ऊपर करके टांगे टांगों और अपने पेट के दरमियान उस लोटे को तबा लगा करके कस करके दबा रखा है लोगों ने कहा ये क्या कर रहा है कहा मैं इसलिए ऐसे दबा के रखा हूँ आग तो नहीं है चूल्हा नहीं है मां नहीं है मैं इसलिए अपने जिसम से अपने टांगों और अपने पेट के दरमियान इस पानी को दबा करके बैठा हूं ताकि मेरे जिसम के गर्मी से पानी गर्म हो जाए और जब बाप हमारा तहज्जुद की नमाज के लिए उठेगा तो ये गर्म पानी उसको वधु के लिए मैं दे दूंगा एक मिसाल मैंने दिया दोस्तों ये सब कब होता है जब एक हमारा अच्छा हो लेकिन जब ये सारी चीजें खत्म कर दिया हमने बाप औलाद का, का हक ना किया, तो औलाद बाप का भी हक नहीं अदा कर रही है पड़ोसी पड़ोसी का ख्याल नहीं रख रहा है इस्लाम ने पड़ोसियों का मकाम अपने पड़ोसियों का मकाम हिंदू हो मुस्लिम हो क्रिश्चियन हो यहूदी हो बुद्धिस्ट हो हमारे पसा के पीछे जो रहते हैं उनके साथ जो हमने इस्लाम ने जिंदगी गुजारने का तरीका बताया था हमने छोड़ दिया जहर फसादो जहरल फसादो फिर वाल बहरी दिमा कसब ए दिन अल्लाह तला ने शाद नमाया शुरू की आय अल्लाह ने फरमाया लोगो सिर्फ ये शहर ही के अंदर फसाद मुआरह नहीं है वहरल फसादर्रेबल पारी दिमाग का सबक शहरों में जहां पुलिस टंडे लेके खड़ी है चोर को गिरफ्तार करने के लिए जहां तरह तरह से अमन अमान को बरकरार रखने के लिए चारों तरफ से हुकूमत ने इंतजाम किया है अल्लाह फरमाते यहाँ भी फसाद है घर में भी फसाद है यहाँ तक कि चंदनों में अगर चले जाओ जंगल में चले जाओ अल्लाह फरमाते हैं चंदनों के अंदर भी फसाद है खुशकी में तरी में शहर में गांव में आबादी में बड़ी से बड़ी सिटी और छोटे से तो छोटे करिये और गांव के अंदर जाओ अल्लाह ने फरमाया जहारल फ वल बहरी दिमा का सब तैदनाथ ए दिन सहर जगह पूरे दुनिया के अंदर शहर से लेकर के गांव तक करिया करिया सिटी सिटी, शहर शहर हर जगह मुआशरा खराब हो चुका है फसाद हो आ गया है सब दिमाग का सबत आदिनाथ और सिर्फ लोगों के बुराइयाँ करने की बिना पर लोगों के गुनाह और लोगों के बुराया करने की बिना पर अल्लाह ने फरमाया फरमाया पूरा मुआशरा हर जगह का खराब हो चुका है कहीं भी अच्छा मुआशरा नहीं मिल रहा है सवाल ये ही, जब ये मुआशरा इतना खराब हो गया सब लोग जानते हैं अपने अपने घर अपने अपनी अपनी औलाद अपने अपने पड़ोस अब आ, 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 और आज तो जो हम नहीं भी जानते टीवी हमको वो भी बता दे रहा है और पहले तो कुछ लोग कहते घर में टीवी नहीं रखना चाहिए बच्चे खराब हो जाएंगे शैतानों ने कहा ठीक है तुम टीवी पसंद नहीं करते हम ऐसा मोबाइल दे देंगे कि दुनिया भर का सारा चैनल तुम्हारे मोबाइल में रहेगा और नाम रख देंगे व्हाट्सएप हर चीज थोड़ी थोड़ी देर में आपको आ रही जो नहीं मालूम है वो अब आपके सामने आ गया है पूरी दुनिया की बात है अब सवाल यह है ये मुआशरा जब हमारा बिगड़ा और इस तरह से मुआशरे में फसाद आया दोस्तों अब उसकी इसलाह की जरूरत है उस मुआशरे को दोबारा सुधारने की जरूरत है अच्छे मुआशरे को पैदा करने की जरूरत है अल्लाह जदाए खैर है हमारे जमी देश औरंगाबाद को जिन्होंने यह मु वक्त के लिहाज से बड़ा बेहतरीन गुनवान और मौजू मु मुकर किया इसलाहशर अल्लाह तारा हमारे साथियों की कोशिश को कबूल फरमाए और ये मेरे भाइयों ये इस्लाह मुआशरा ये भी हमारे भाइयों याद रखो अब इस मुआशरे की इसलाह के लिए कोई नबी नहीं आने वाला कोई पैगंबर नहीं आने वाला कोई आसमानी किताब नादिल होने वाली नहीं है अब इस मुआरे की इसलाह इस उम्मत मुस्लिमा के ऊपर अल्लाह ने डाला अब ये उम्मीद नहीं रखना कि कोई नबी आएगा सुधारने के लिए कोई पैगंबर आएंगे इसलाह करने के लिए और अल्लाह ताना को आसमान से सुधारने के लिए कोई नई तालीमत और हिदायत भेजेगी साफ कुछ खत्म हो चुका है नबी शाम आखिरी नबी थी कुरान आखिरी किताब है आप दुनिया से चले गए हैं इससे पहले जब में बिगाड़ पैदा होता सिरक काम होता बिदात आम होती हराम हरामकारियाँ आम होती सुनमो सियादती का माहौल होता बे बेनियत और बेहतिया हरामकारियाँ फौजकारियाँ जब आम हो जाती उस वक्त अल्लाह तला किसी न किसी नबी को भेजता था इस्लाह मुआशरा के लिए और नबी आते आतेलाहिया ए लोगो अब इस दुनिया में अगर मुआरे की सलाह चाहते हो तो हम जो तालीमत अल्लाह तला की तरफ से लेके आए उन तलीमत को कबूल करो अब हक आ जाने के बाद इस्लाम मुआशरा के सारे दस्तूर आ जाने के बाद अब दोबारा फैलाने की कोशिश ना करो भी थे चल रहा था अब आखिरी नबी दुनिया से गए अब मुआशरे में बिगाड़ पैदा होगा तो मुआशरे की कहां से होगी अल्लाह तला ने यह जिम्मेदारी इस

सुन्नते रसूल की तरफ़ दावत देगी और लोगों को अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर की दावत देगी ताकि मुआशरे की हो जिम्मेदारी हम पर और आप पर डाली है हमारे मुसलमान भाइयों अब इस मुआशरे की बिगाड़ की जिम्मेदारी हमारी और आपकी है और इस मुआशरे में इस उम्मत के अंदर जो माशरे का बिगाड़ और इस पैदा होता है इसकी तो पूरे उम्मत की जिम्मेदारी है लेकिन खास तौर से उम्मत के नौजवानों की जिम्मेदारी है नौजवान अपना मकाम अपना मर्तबा अपनी जिम्मेदारी समझे पहले तो अमूमन पूरी उम्मत की जिम्मेदारी है फिर उम उस उम्मत से एक ते को लेकर लेगा जिसका ही यह होगा फिर उस मिशन में भी नहीं। जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी डाली है वो नौजवानों की है नौजवान इसीलिए आप जरा कुरान हदीस का मुताला करें अल्लाह अकबर हमारे अजीज सल्लमु कह रहे थे तो बहुत सारे पॉइंट्स, है बहुत सारे सब बयान करेंगे तब तो, तो फिर कल वाली रात भी चाहिए बहुत लंबी बात हो जाएगी लेकिन हम बड़े इख्तसार के साथ ये नौजवान आप हमेशा याद रखें जहां दुनिया की ताकत खत्म हो जाती है जहां दुनिया सारी सलाहियत खत्म कर देती है जहां सारी कुतें दुनिया की आजीद आ जाती है वहां अगर काम आता है तो किसी उम्मत का नौजवान काम आता है अभी दूसरी चीज है आज हमारे यहाँ नौजवानों का मामला क्या है मेरे भाई माशा पहले तो कॉलेज पढ़ेगा अब पढ़ते पढ़ते सा था और शौक आ गया तो क्रिकेट अरे वो दुनिया और बड़ा आगे तरक्की कर गया तो जाएगा अपनी बॉडी बनाने के लिए और बॉडी बनेगी तो उसको फुल आसिन का शर्ट नहीं चाहिए हाफ का चाहिए ताकि नजर आता रहे ये हमारे नौजवानों की मशगूलियत है हर नौजवान जरा सोचे इस समिले पर, पर निगाह डाले अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ जहाँ मुआशरे की इसलाह करने में हुत आ जाती है दुनिया के सारे ज़राए फेल हो जाती हैं जहाँ इसलाहे मुआशरा इस जमीन पर फसाद जो फैला हुआ है उस फसाद को मिटाने से सारी सलाहियतें सारी कुत ताकत खत्म हो जाती है किसी से काम नहीं बनता तो वहां वो उस जगह अल्लाह ताला नौजवानों के जरिए काम लेता है हमारे सामने दो एक मिसालें हैं पूरी दुनिया के अंदर कुफर था पूरी दुनिया के अंदर पूरे मुल्क के अंदर कुफ रहे एक इंसान भी ला मोहम्मद पढ़ने वाला नहीं था एक तो कोई एक तो हो अल्लाह का नाम लेने वाला बादशाह सारे वजन हुक्काम, सारी पब्लिक शिर्क में तू भी अल्लाह को भूले हुए है। कोई दा इतना पढ़ने वाला मुल्क भर में एक नहीं है अल्लाह ताला ने ऐसे मौके पर चंद नौजवानों को पैदा किया जिनके जरिए मुआशरे की इस्लाह हो जहां हर जगह जहां हर हर कदम पर बुद्ध की पूजा हो रही हो वहां अल्लाह की इबादत की जाए वहां अल्लाह के तविद की दावत दी जाए अल्लाह ताला ने वहां चंद नौजवानों से काम दिया और उनको कहा जाता अब कहर आप हजरत नहीं हर आदमी सूरह कहब जानता है अरे सारे लोग ये इस सुन्नत पर तो तकरीबन हर अहले हदीस अमल करता है हमारे दूसरे भाई हो गैर जमाती तो उनको भी चाहिए अमल करे आप हज़रा जानते होंगे अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया जो इंसान जुमे के दिन सूरतुल कहफ की तिलावत करता है अल्लाह तारा उस तिलावत करने वाले को इतना बड़ा नूर देते हैं कि अगर उस नूर को यहाँ दुनिया में दे दे तो जहाँ से पढ़ा है वहाँ से लेकर के खाने काबा तक की दुनिया जगमगा उठे अल्लाह इतना बड़ा अजर सवाब रखा है सिर्फ उस मोमिन के लिए जो सूर्य कहफ को जुमे के दिन पढ़ लेता है नंबर दो आपने साथ नबी आज हम ही सनातम के जमाने से लेकर के आज हमारे दौर तक कोई नबी ऐसा नहीं गुजरा है जिस नबी ने अपनी कौम को तज्जाल के फितने से ना डराया हो वा भी तुम लोगों को तज्जाल से डरा रहा हूँ तज्जाल से तब आगा कर रहा हूँ और सुन लो जिस इंसान ने नग रसूल रमाया रूरतुल कैफ की इब्तदाई दस आयतों को जिसने याद कर लिया

अल्लाह ने एक फजीलत तो बयान किया हर जुमे के दिन इंसान को चाहिए कि कहफ की तिलावत करे नंबर दो आपने आयतें याद कर लो ताकि दज्जाल के फितने से तुम बचे रहो महफूज रहो क्यों मेरे भाई क्यों फजीलत बयान की गई सिर्फ इस दिन पर कि तीस मिली अनूर होगा इंसान के पास नूर होता है नूर ईमान अगर है तो कभी वो धोखा नहीं खाता नंबर दो दाल जब पैदा होगा और आपके अगर औरंगाबाद शहर में भी उसको आना हुआ तो सबको बुलाएगा हम अल्लाह है हमको मानो आदमी को कत्ल करेगा दो टुकड़ा करेगा जिंदा करेगा बादल को हुक्म देगा बारिश बरसेगी कहेगा वो ऊपर वाला अल्लाह मैं हूं मैं ही मौत और हयात का मालिक हूँ अल्लाह अगर बादल को हुक्म देगा बारिश जमीन को हुक्म देगा पौधे उगाएगी आनाओी उम्मीद कहेगा वो अक्सर लोग उसके फितने में आ जाएंगे लेकिन अल्लाह रसूल ने क्या फरमाया अगर सूरत पढ़ता रहेगा तो अल्लाह दाना उसको फितने दज्जाल के फितने से बचाएंगे और फरमाया सुन लो उसकी पेशानी पर लिखा होगा काफ फा रा, काफ फा रोगो पढ़ लेना लग जाएगा कि ये क्या है, है ये है ये अल्लाह नहीं है ये वही दज्जार है जिसकी वो ही नबियों ने दिया था मेरे भाई अगर भाई जो अगर आप पढ़ेंगे तो तौहीद चंद नौजवान थे पूरे मुल्क के अंदर आर के लिए जो खड़े हुए और अल्लाह का नाम अल्लाह की तोहिद, अल्लाह के मदत कायम करने के लिए रबाया तुम आम बेरब हिम होता यह नौजवान की जिम्मेदारी थी जहां मैंने कहा तारे सारी दावतें सारी तहरीकें तहरीके सारीत ताकत खत्म हो गई थी इस्लाह मुआरह से आजिश थी अल्लाह ने ऐसे मौके पर चंद नौजवानों को पैदा किया इन अगर उनको हम पढ़ेंगे का किस्सा हमारी इबरत और नसीहत के लिए अदरब आदमी ने कुरान में जिक्र किया है हम उनसे इबरत नसीहत हासिल करें कि ऐ दुनिया के नौजवान ऐ ऐस के नौजवान जहाँ दुनिया के सारी ताकत में मेरा होती है वहां तुम काम आते हो और अल्लाह ने उनकी हिफाजत कैसी की बहुत तवीर मा किया है नंबर जब कौम ने तन किया और गिरफ्तार किया और कहा कि तुम्हारी गर्दन मारी जाएगी टट करके खड़े रहे कहा गर्दन कट जाए लेकिन अल्लाह के अलावा हम किसी गैर के इबादत नहीं करेंगे अल्लाह चंद नौजवान थे बादशाह ने कहा इन नौजवानों की बेवकूफी है छोड़ो इन चले गए गार में गए। तकरीबन तीन सौ साल तक उस गार में अल्लाह ताला ने उनको सुलाया। जरा गौर करो तो की बरकत और हमारे वो नौजवान जो इस दुनिया में इस्लाह मुआशरा के लिए खड़े हो जाते हैं अल्लाह उनकी कैसी मदद करता है उनके इखलास की कैसे कदर करता है उनके जान की उनके माल की उनके इज्जत की उनके इफ्फत की उनके अकीदे तौहीद तो और उनके मिशन और उनके दावत के अल्लाह ताला कैसी कदर करते हैं अल्लाह ने साथ नवाया हगे गार में लेट गए हमने ऐसी नींद डाली अल्लाह फरमाते फदर बना, सबको सोला दिया सब सो गए जग नहीं रहे और नींद गई सी वनो कल वाल सोए हैं, लेकिन अल्लाह क्या फरमाते हैं अगर एक ही करवट पर आदमी लेटा रहे तीन साल तो शायद दिमाग भी खा डाले हड्डियां अकड़ जाए लेकिन अल्लाह की मेहरबानी उन नौजवानों पर कितनी अल्लाह फरमाते हैं व नक्ल्ले व हुम जात अल यमीन अल्लाह फरमाते हैं उन लेकिन लाने वाले इस्लाह मुआशरा और तौहीद की दावत देने वाले नौजवान जब अपने ईमान अपने दीन अपने अकीदे को बचाने के लिए रण में चले गए तो फरमाते जब वो लेट गए वन्य हम अपने करवटे दाए बाएं पलट देते थे दाए बाएं पलटी तीन सौ साल के बाद जब उठे तो आपस में एक दूसरे से पूछते हैं कितने दिन तक सोए रहे कहते हैं बस एक दिन या आधा दिन तीन सौ सारा जिंदगी की, की नीत कितने मजेदार क्यों कि कहते हैं बस लबिस नौमन औबादय एक दिन या आधे दिन इससे दादा तो हम लोग नहीं अल्लाह अकबर ये है उन नौजवानों का मकाम और मरतबा जिन्होंने अपने शहर में शिरक को मिटा करके तौहीद ना के इसला मुआषा की कोशिश की थी पूरा आदमी निर्सात नमाया इतने दिन तक वो सोए रहे और दावत की कितनी कदर की तीन सौ साल के बाद जब वो बेदार हुए तो मालूम पड़ा पूरा का पूरा का अल्लाह ताला ने तोफी दी सब मुसलमान हो चुके हैं नंबर दो मेरे भाइयों हमने कहा बदला से हमारे नौजवान अपना मिशन सिर्फ क्रिकेट का खेलना नहीं बॉडी बनाना ही मकसद नहीं इनका बहुत बड़ा मकसद जिंदगी का हा, इस दुनिया के अंदर बिगड़े हुए मुआरे की इस्लाम है दूसरी मिसाल कुरान पाक के अंदर फिर जैसा अना अब कबुल आला कहता है फिर की पूरी फुराउनी कौम में अल्लाह ने सूर यूनस के अंदर बयान फरमाया फमा मूसा, इल्ला कौमे अल अल्लाहर अल्लाह फरमाए लोगो फिर उसके डर और खोब उसके वसीरों और उसके ए, 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 उसकी हुकूमत और उसके जिम्मेदार और उसके बड़ों के डर से इतना सालिम इंसान था और इस कटरवा मुसलमान होने वालों पर सुलम करता था फिरा कौम में अल्लाह ने फरमाया सिर्फ उसके चंद आदमी नौजवान थे जो ईमान लाए का डर भी था औब भी था लेकिन सारे चीजें उन्होंने खत्म किया न फ्र के सुलम की फिक्र की न उसके वजीरों के ईजाते और भकूमत की फिक्र किया जब तो के लिए वो खड़े हो गए और अपने मुआशरे में अपने फिर कौम में तोहेद की दावत देने के लिए खड़े हो गए अब पूरा साथ रमाते हैं फिर का जुल्म फिर की ज़दती भी उनको दोबारा तो ईमान और तोहिद से वापस न ला सके अपनी जगह पर डटे हुए अल्लाह फरमाते हैं मूसा रही शाम के पास आए और कहा है मूसा फिर कुछ भी कर डाले हम ईमान ला चुके हैं और हम मोमिन बन चुके हैं अब हमें क्या करना है मूसा ने कहा या कहू मैं तुम, तुम उम्मतियों, अगर तुम फिर के कहो के दिन को छोड़ करके तोहेद पर आ गए हो और तो तुमने कबूल कर लिया है तो अब अल्लाह ताला की जात पर तवक्ल करो नौजवानों ने कहा कल ना हमने अपने रब पर तवक्ल किया भरोसा किया ईमान बढ़ते रहेंगे और बराबर हम मुकाबला करते रहेंगे शिरक का अल्लाह आलमीन ने उनके किस्से को बयान किया ताकि हमारे इस उम्मत के नौजवान ये समझे हमारी जिम्मेदारी है दुनिया से शिरक का मिटाना बिदात का मिटाना सुनम का मिटाना कुफर का मिटाना ना इंसाफी का मिटाना और तौहीद सुन्नत अदर इंसाफ को दुनिया में आम करना मेरे भाई नबी अलैहिस्सलाम शाम ने जब इस्लाम की दावत दिया कभी आप सीरत पढ़ें और सहाबा के हालात को पढ़ें कि जहां अब जहल था और पढ़े-पढ़े लोग थे वहां ईमान कौन लाया अल्लाह अकबर सैद बिन अल्लाह अकबर सुबह बा इबन आजिब अबी तार ये कहा जाता है तारीख देखी जाए तो इनमें से हर एक की उम्र 20 साल के अंदर की थी जब नबी रही ने इस्लाम की दावत दिया और सभा पहाड़ी पखड़े होकर के ऐलान किया और बाजारों में कलियों में लोगों को उतरुकू माकाना पुतों की पूजा तरक करो और एक अल्लाह की इबादत करो ऐसे मौके पर अल्लाह अकबर जितने थे कोई बूढ़ा काम न आया इस मक्के सरदवीर खान काबा की और पाकी के लिए जो खड़ा हुआ वो नौजवानों का था हजरत अली थे हजरत अब्दुलजुबेर थे हजरत जाफर थे हजरत जैद बिन साबित थे कहा जाता इनमें से हर एक की उम्र बीस के अंदर थी फिर आगे हजरत उस्मान बिन अफान काबिन मालिक दूसरा गिरो इनमें से कहा जाता है बीस और तीस के दरमियान के सारे नौजवान थे ये बड़ा अजीब तजिया किया गया है तीन गिरोह थे चार गिरोह ईमान लाने वाले सबसे पहला गिरोह जो था उसकी उम्र बीस के अंदर थी अल्लाह अकबर और आज तुम्हारे बीस साल का नौजवान नमाज भी नहीं पढ़ना चाहता नहीं अभी वक्त नहीं है नमाज पढ़ने का इस्लाम कलम बरठार बने, मक्के के अंदर इनकला बनाया और दूसरा गिरोह था उस्मान बिन ये जो गिरोह था वो नकल करते हैं, इनमें से सबकी उम्र बीस और तीस के दरमियान थी और तीसरा गिरोह था उमर का अबू बकर का रजी अल्लाह तारा इन का हजरत उमर फारूक और इसी तरह से हजरत अबू बकर सिद्दीक अबू बकर और उमर में अबू बकर बड़े थे इनकी उम्र जब ईमान लाए तो कहा जाता है अड़तीस साल थी अल्लाह अकबर अब जब बूढ़े जो रह गए सबसे करीबी बूढ़ा सबसे करीबी बूढ़ा जिसने आपके लिए अपनी सारी जिंदगी कुर्बान कर दी आपका चचा अबू ताली बेचारा तो सोचता रहा मुसलमान हो जाए बेटा तो भतीजा तो बड़ी अच्छी बात कहता है लेकिन बिरादरी क्या कहेगी वाह अकबर मा बेला आया जब बुढ़ो का तो इंतकाल कर रहे नबी रह सामने खड़े ही मक्का का वजीर दाखिला वजीर खारजा ए, ए, क्या कहते हैं ए, सारे खड़े हुए हैं अल्लाह सुर फरमाते चचा कलमा पढ़ दे ताकि मैं सिफारिश कर सकूं बड़ी कोशिश की लेकिन मसलहत भी नहीं मसलेहत भाई आज तक ऐसे करते रहे अभी नया मैं बदल दूंगा तो लोग क्या कहेंगे बूढ़ा ये सोचता है और नौजवान क्या कहता है ओ काबी रूह जब बेदार होती है जवानों में नजर आती है उसको अपने मंजिल आसमानों में नौजवानों पर तुम्हारी आसमान के ऊपर अब है अल्लाह पर चाचा कलमा पढ़े मुसलमान हो जाए आखिर में इधर देखा उधर देखा लकद आलिम तो बिन वन दीना मोहम्मद अदियान बरियत दीना ए मक्के के सरदारो ए हमारे वजीरों सुन लो मैं तो मर रहा हूँ लेकिन एक ऐलान करके जा रहा हूँ ये मेरा भतीजा मोहम्मद सोसलम हमको कहता है कलमा पढ़ो ये इसलार कर रहा है और तुम सर पर खड़े हो कि मैं कलमा पढ़ता हूँ या नहीं पढ़ता सुन लो लकद आलिम तो बैन भी मोहम्मद मिन अच्छी तरह से सुन लो मैं काबा वाले रब की कसम खा के कहता हूँ कि इस दुनिया के अंदर मैंने तजर्बा किया यहूदियों को देखा ईसाइयों को देखा अपने बाप दादा का दीन देखा हमने सब कुछ देखा लेकिन यही नतीजा निकला कि मेरे भतीजे मोहम्मद जो दिन दे रहे इससे अच्छा दीन कायनात में कोई दूसरा नहीं है अरे मक्के सरदारों सुन लो और मेरे भतीजे मोहम्मद तो भी सुन लो दिल तो चाहता है कि कबूल कर ले लेकिन ये कम वक्त खड़े हुए हैं मैं अगर कलमा पढ़ लिया तो लोग कहेंगे जरा देखो बूढ़ा सारी जिंदगी बाप दादा के दिन पर मरा तो नया दिन लेकर के भतीजे का मरा मोहम्मद भतीजे तुम भी सबर कर लो मैं अपनी कौम के दीन को नहीं छोड़ना चाहता मैं छोड़ करके मर गया तो कलमा पढ़ लिया तुम्हारा दीन कबूल कर लिया तो ताना देंगे बूढ़ा दीन को छोड़ के मरा तब अल्लाह अकबर बूढ़े तो इतने मसलेहत सोचते हैं। और है और नौजवान ये सोते है इसको हमें करके छोड़ना है इसीलिए जरा गौर करो पहरा गिरो। पहली किस्म जो है सहाबा की वो बीस तकरीबन दस और बीस के दरमियान दूसरी किस्म जो सहाबा की है वो बीस और तीस के दरमियान और तीसरी किस्म जो है मेरे भाइयों चालीस से पहले और तीस साल के बाद वाला गिरो है।, के सामने एक बहुत बड़ा है कि हमेशा इस दुनिया के अंदर की शर्फ एक किसी जिम्मेदारी जिसने सबसे बड़ी उठाई है वो असल में नौजवान हुआ करता है इसीलिए दोस्तों इसीलिए अल्लाह के रसूल की दो हदीसें हैं बड़ी तवील है लेकिन तब से पूरी नहीं बयान कर सकता दोनों एक हदीस में अल्लाह के नबी नौ जवानों को आगाह किया तंबीह किया कि तुम्हें जो ने जवानी दी है इस जवानी को जरा अच्छे कामों में इस्तेमाल कर लो दीन की नश्रोसात में दीन के सीखने में मुआरे की सलाह में बातिल के मुकाबले में कुरो शिरक के मिटाने में अल्लाह की दिशा के लिए अपनी इस जवानी को गनीमत समझो हदीस हाकिम की अहमद थी इबन दुनिया की शोबानी की, की। अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तला नुमा कहते हैं अल्लाह के सुल ने फरमाया में खमसन कबरा खमसन पांच नब्बुल्ला अब्दुल्ला बिन अब्बास ऐ नौजवान प्यारे बैठे या गुलाम अल्लाह सुन को गुलाम कहते थे ऐ मेरे चचादाद बच्चे ऐ मेरे चचादाद भाई अब्दुल्ला इग में खमसन कबला खमसिर पांच नेमतें अल्लाह ने तुझे दिया है और इन पांच नेमतों में से हर नेमत के बाद एक मुसीबत है इसलिए पांचों मुसीबतों से पहले पहले ये पांच नेमतों को गनीमत समझ ले उनमें एक नेमत क्या है शबाब का कबला हरामी का बेटे अब्दुल्ला अरे मेरे बहन चादाद भाई अब्दुल्ला अल्लाह ने तुझे जवानी दी है ये जवानी बड़ी नेमत है इस जवानी को अच्छे कामों में इस्तेमाल कर ले दूसरी हदीस मुस्तर के हाकिम की है की इबन व अहमद बिन हम्बल की है अब तला बिर मसूद जबर और बहुत सारे सहाबे कराम से हदीस मौजूद है आपने ये साथ दिलाया है की कोई नौजवान अपनी नौजवानी कहाँ दाय कर रहा है जरा होशियार रहे क्रिकेट खेलने में बॉडी बनाने में आवारगी में घूमने में टहनने में अल्लाह कहा अपनी जवानी खत्म कर रहा है हिसाब करें आपने फरमाया ला कदमा, इब आदमा हता किसी इंसान का कदम क्या के दिन रब के सामने जब खड़ा होगा तो अल्लाह के रसूल शात कदमा कदम आदमा किसी इंसान का कदम अपने जगह से हसर के मैदान में एक इंच ना आगे हो सकता है ना पीछे हो सकता है जब तक कि अल्लाह दाना पाँच सवालों का जवाब ना दे दे उन पाँच सवालों के जवाब में से एक सवाल ये होगा अन उम्र ही फीमा अपना मेरे बंदे मैंने तुझको जिंदगी दिया था यह जिंदगी कहाँ कहाँ तूने गवाया है कितना इससे तूने फायदा उठाया कितना तूने इससे दीन का काम किया जन्नत की ने किया किसने ए, कितनी जमा की है नंबर दो वन उमर वाहन शबाब ही फीमा अबला वाहन शबाब ही फीमा अबला हिसाब फी अब तो दे देंगे अल्लाह दाना मैं चालीस साल तक साठ साल तक बीस साल तक पढ़ा उसके बाद फला कंपनी में बड़ी अच्छी नौकरी मिली पैंसठ साल तक रिटायर होने तक वहां रहा फिर उसके बाद घर में बैठ करके। खाता ना लेकिन नहीं मौका है कहने का आज का तो यही कहना पड़ेगा अरबुद आदमी ने जब तक ड्यूटी किया ठीक है रिटायर हो जाने के बाद घर में टीवी सामने और सोफे पर बढ़ा हमारा चौबीस घंटे काम क्या था टीवी देखना तो सोच लेना हिसाब देना है सीमा अबला मैंने तुझे जवानी दिया था आंखें काम करती थी दिमाग तेरा काम करता था बूढ़ों को तो कहता था सठिया गया है बूढ़ों को कहता सुनता कब है बूढ़ों को कहता बिना ही काम नहीं कर रही है बूढ़े से कहता चांदे तेरी कमजोर हो चुकी है सीढ़ी पर नहीं चढ़ सकता हमने तुझे सब दिया था आंखें तेरी जवान दिमाग तेरा जवान कान तेरे जवान हाथ तेरे जवान और ये पैर तेरे जवान थे जरा हिसाब दे इनको तू तु, इनसे तुमने कितना फायदा उठाया अल्लाह के रसूल ने वार्निंग दी है नौजवान अगर इतनी बड़ी जिम्मेदारी है कहीं अल्लाह ताला ये ना तुमसे पूछे शिर्क हो रहा था ए नौजवान तूने अपनी नौजवानी से मुआशर की कितनी सलाह की थी शिर्क हो रहा था तूने मिटाने की कितनी कोशिश की आम थी इतनी आम थी इतनी आम थी कि मरहबा खेद भी काटता तो नंगा होके काटा करता था है हमारे नाम पर साल हुई है ना साल ईद मिलाद मनाई गई है ना केक काटा गया मरहबा नहीं मेरे ख्याल कुछ इंग्लिश में था क्या था भाई वेलकम है मरहबा यारंटा और केक काटने वाला दुनिया ही में नंगा हो चुका है मेरे भाई को जरा सच अल्लाह अल्लाह क्या पूछेगा तूने फना फना कैसे किया था कि नहीं किया था अल्लाह ये पूछेगा तू क्या कुर्बानी दी थी चिराग के कौन के नौजवानों ने क्या कुर्बानी दी तू तु बता तूने ने सिरक को मिटाने की कितनी कोशिश की मिटाते कितनी मिटाई हराम कर कितना तू रोका अरे इसे अबुल मारूफ कितना तूने अंजाम दिया था अल्लाह तआला कयामत के दिन हर शय पूछ रहा है अन सवाब ही तेमा अबला जवानी तूने कहा सर्फ की थी अपनी जवानी के मुतालिक बता मेरे भाइयों हर इंसान अपने जवानी के मुतालिक सोच ले कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने हमें सवाल हमसे सवाल होगा और हमें जवाब देना है अल्लाह अकबर एक बात आप लोगों को बताएं, जवानों की बात चली आज तीस पारे का कुरान पढ़ते हैं ना हम सारी दुनिया जानती है इकट्ठा एक, एक मुसाफिर तफसीर वाला भी नंबर वाला भी तर्जमा वाला भी आज ये पूरा कुरान एक जगह जो रखा हुआ है दो दफ्तियों के दरमियान कभी आपने सोचा ये किसका कारनामा है किसका कारनामा है नौजवानों कभी सोचा तूने ये किसका कारनामा है सही बुखारी की रवायत नही दुनिया से चले गए एक जंग के आधर बहुत सारे कुर्रा शहीद कर दिए गए सिद्दीक अकबर ने सोचा कि ये कुरान जो है कई एहसान और सारे उफाज दुनिया में जंगों में जाते हैं शहीद हो जाते हैं कहीं ऐसा कोई न कोई हाफिज ना रह जाए तो कुरान की कोई आयत इधर उधर हो जाए सिद्दीक अकबर अपने दौरे खिलाफत में किया सोचा कि कुरान पाक को दो दफ्तियों के दरमियान यानी एक किताबी शकल में मुरतब करके लिख लिया जाए अल्लाह तला ने सिद्दीक अकबर से ये काम लिया सिद्दीक अकबर उमर फारूक को बुलाए उमर फारूक ने कहा अबू बकर कैसा जिस काम को लिया कर सुन नहीं, 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 नहीं क्या मैं क्या हम कैसे करेंगे और फारूक कहते हैं मैं इनकार करता रहा लेकिन अबू बकर दलाल दे करके हमको कायल करते थे समझाते थे समझाते थे हो सदरी। लिल्लदी आ, आ, शरह बकरीन ऐ लोगो अबू बकर का मुकाबला कौन कर सकता है और फारूक कहते हैं, ए लोगो, अबू बकर का मुकाबला कौन कर सकता है हम बहस कर रहे थे यहाँ तक कि वे अल्लाह ताला ने करम करके मेरा भी सीना उसी अच्छे काम के लिए खोल दिया जिस अच्छे काम के लिए अल्लाह ने अबू बकर का बोला था कहें मैंने भी कहा नहीं का यही वका यह पुरमसलहत कुरान की खैर वही यही है कि बिल्कुल कुरान को एक जगह लिख लिया जाए अब अबू बकर भी तय लिए, अबू बकर भी तय कर लिए, अब लिखेगा कौन नौजवान ये नौजवान की जरूरत है अब अब बकर नहीं कर सकते उम्र हथियार डाल चुके हैं उस्मान सबसे बड़े हाफिद कुरान है लेकिन वो भी इतना बड़ा काम अंजाम देने के लिए तैयार नहीं कौन होगा बात आई कि काबे वही जैद इबन साबिद एक नौजवान है उसको बुराओ अगर हिसाब लगाया जाए अगर हिसाब लगाया जाए तो जिस वक्त मामला आ रहा था मुश्किल से हजरत साबित की तो उसकी उम्र चौबीस सौ पच्चीस के दरमियान रही होगी मुश्किल से हो सकता है तेईस साल वो अल्लाह अकबर तेईस सारा नौजवान अब हथियार डाल चुके वो पर हथियार डाल चुके है। उस हैं उस्मान कहते मेरे हिम्मत इस काम के लिए नहीं इतना बड़ा काम कौन अंजाम दे जैद को बुलाओ जैद बिन साबित बुलाए गए अब जरा गौर से सुनो तेईस से चौबीस साल का पच्चीस तेईस और पच्चीस साल का नौजवान बुलाया गया अबू बकर ने कहा जैद मैं चाहता हूं ऐसे से आलाते कुरान को एक जगह जमा कर दो साबित कहते हैं मैं कहा ये काम तो बिल्कुल नहीं 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 मैं कर सकता उमर बोल पड़े उमर तुम्हें उमर ने कहा करना है कुरान तुम जमा करोगे हजरत जैद बिन साबित कहते अल्लाह की कसम उमर और अबू बकर ने हमसे जब कहा तो अगर अबू बकर उमर कहते मदीने का ये पहाड़ तोड़ करके फना जगह गड्ढे में डालो और ये पहाड़ की जगह मैदान बना दो कहते अल्लाह की कसम वो मेरे लिए आसान था लेकिन ये कुरान को एक जगह जमा करना मेरे लिए उससे कहीं ज्यादा दुश्वार था आगे पीछे हुआ बकर ने क्या कहा वो सुनो या सैद ये काम न मैं करूंगा न उमर कर सकता है न उस्मान करेगा न फरा करेगा ऐसे इन्ना का साबुन इन्ना का साफ साबुन ये जवानों का काम है बूढ़ों का काम नहीं बहुत या बैद इनका सैद ये चौनानों की जरूरत यहां है हमारे और उम्र के बूढ़ों की जरूरत यहां नहीं है इन्ना का जुर्न साबुन तुम दो समान हो हमारे अंदर ये कुत है ये काम तुम ही कर सकते हो हम लोग नहीं कर सकते उठे और ऐसा काम दिया कि आज तक वो कुरान मुरतब हमारे हाथों में चला आ रहा है नौजवान हो जरा गैरत अपने अंदर पैदा करो अल्लाह ने कितना बड़ा काम तुमसे रहता है अगर तुम करने के लिए तैयार हो जाओ फिर जरा आगे सुनो आज जितनी हदीसे हम पढ़ रहे हैं बुखारी हो या मुस्लिम हो अबू दाऊद इन मुसरद अहमद हो या मुस्रद साफ मुसरद मख़रत हो या कोई और मुसनत अल्लाह अकबर कभी गौर किया कि हदीसे किसने जमा किया ये रास्ता किसने इख्तियार किया अल्लाह की कसम ये तुम नौजवानों का था वो नौजवान खेलता है चंद साथियों के साथ ऐसे आप की तरह मिट्टियों में हो सकता है गुल्ली डंडा वाला जमाना रहा हो। खेल रहा है एक नौजवान तीन चार नौजवान है उनमें से एक नौजवान के ध्यान में बात आई उसने अपने नौजवानों से कहा साथियों से खेलने वाले मेरे खेलने वाले साथी हम लोग काम करते हैं रात भर सोते हैं और दिन में खेलते हैं तो कहा क्या हुए? कहा देखो एक एक सहाबी रसूल दुनिया से खत्म होते जा रहे हैं एक एक सहाबी दुनिया से खत्म होते जा रहे हैं कई ऐसा हो सारे सहाबी चले जाए तो नबी की हदीसे भी उनके साथ कबर में दफन हो जाए तो लोगों ने कहा क्या कहते हो कहते हैं उस नौजवान ने कहा मैं चाहता हूं कि कल से खेलना खत्म और जहां जहां सहाबी है हम चल चल करके हदीसे इकट्ठा करेंगे सुबह उठे तो तीन दिन तक तो साथियों ने साथ दिया उसके बाद सारे साथी छोड़ दिए वही एक नौजवान रह गया जिसको कहते इब्न अब्बास साहब इंतकाल किए तो दस बारह साल का नौजवान भाई अभी बीस साल का नहीं पहुंचा है रसूल जमा करने के लिए सारी जिंदगी वक्फ कर दिया यहां से जमा करने का ये सिलसिला शुरू हुआ बात तो बड़ी लंबी हो जाएगी हम आप ये कहेंगे भी वो तो साहबी थे ना? वो तो साहबी थे अब आए एक मिसाल आप लोगों को देते हैं वल्लाह ये जो आज आपका स्टेज नजर आ रहा है यहाँ से यहाँ तक जो उल्मा बैठे हुए हैं, आज तोहिद की दावत इस बर्रे सगीर में जो है कभी आपने गौर किया इसकी इब्तदा किसने किया है ये दावत कहाँ से शुरू हुई है बड़े बड़े बादशाह हिंदुस्तान के अंदर थे लेकिन तोहहीद की दावत ना दी बड़े बड़े थे तोहहीद की दावत ना दी दे साथियों ने मिलकर के एक इकट्ठा किया लेकिन हिंदुस्तान में सिर के मिटाने और तोहहीद को के बोल पाना विदात को खत्म करने और इतवाय सुन्नत की दावत किसी ने ना दिया सब सोचते थे माहौल बड़ा खराब है अगर हमने ऐसा किया तो क्या होगा अल्लाह दारा ने एक नौजवान एक नौजवान जिसकी उम्र तकरीबन बीस बाईस साल की होगी अल्लाह अकबर एक नौजवान दिल्ली में पैदा हुआ दिल्ली में पढ़ा वहाँ आंखें खोली लेकिन जब सूझबूझ आई कि हदीस पढ़ा कुरानी आयात पढ़ा और हिंदुस्तान का माहौल देखा कदम कदम पर शिरक है मोहम्मद राम रखना जुर्म है इलाही का गलबा है तरह तरह से मुनकरा बुरा और तरह तरह के शिर्क हिंदुस्तान के अंदर मौजूद है अठारह सौ अकबर तकरीबन अठारह सौ ईस्वी के अंदर उस नौजवान ने सोचा खड़ा हुआ और कहा दुनिया कुछ भी कहे हम तो ही कत की दावत देंगे हिंदुस्तान से सिंध मिटाने के यहाँ इस सही इस्लाम के ताले बबराइज करेंगे एक नौजवान खड़ा हुआ और आज पूरे बड़े सगीर में नहीं पूरी दुनिया के उसकी बरकत से तोहिद फैली सिर का खात्मा हुआ सुन्नत आप हुई और विदात का बेड़ा गर को हुआ अठारह सो छ में तकरीबन या कुछ उस के करीब नौजवान उठा उसका नाम है मोहम्मद इस्माइल शायद नाम सुना होगा जिसको कहा जाता शाह इस्माइल शहीद रहा इतने बड़े हिंदुस्तान में मोड़ाउल कलाम आजाद अपने किताब तस्करा के अंदर बड़ी अच्छी बात कहते हैं लोगो हिंदुस्तान में उलमा की कमी नहीं थी फुका की कमी नहीं थी सहाफियों की कमी नहीं थी सारे लोग बहुत मौजूद थे कमी थी किसी के अंदर हिम्मत नहीं थी जो मुआशरे का मुकाबला करे तो की दावत देख को मिटाने के लिए खड़ा हो जाए ये काम अल्लाह ताला ने एक नौजवान से लिया नौजवान का नाम शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह ने खड़े हुए सबसे पहले इन्होंने दिल्ली जामे मस्जिद में उर्दू के अंदर खुदवा शुरू किया लोग ऐतराज करते रहे करते रहो हम इसकी परवाह नहीं करेंगे बड़े इतरादार, फिर जामे मस्जिद के सीढ़ियों पर खड़े हो के तो की दावत देना शुरू किया एक दिन अल्लाह अकबर मगरब के बाद अब वे दरवाजे के सामने खड़े थे बड़ी से हवेली थी गली में खड़े हुए हैं तो देखते हैं कि कितने रिक्शे जा रहे हैं जितने रिक्शे जा रहे हैं माशाल्लाह मालूम पड़ता है कि दिल्ली की सारी हूरे रिक्शे ही से सफर कर रही हैं वो असली हुए नहीं जिनको आज लोग हुए कहते हैं पता नहीं गाने वाले क्या कहते हैं भाई आपके दासने हीरो क्या कहते क्या पूछना शाह इस्माइल को बड़ा गुस्सा आया गैर नौजवान बूढ़े तो कहते क्या बूढ़े क्या खड़ेगी ऐसे लोग निगाह ऐसी कर ले भाई जा रही हूँ वो देखना देखना आराम है उस नौजवान नहीं ये कौन है कौन जा रही है लोगों ने कहा सारी पेशा अवर तवायफे हैं तवायफ़ समझते हो ना समझते हैं आप लोग कि नहीं समझते अरे बोलो भाई यस, यस। समझते हो ना ये सारी तवाइफे है अल्लाह अकबर का ना क्या है का फना का नाम जहां आ रहा है फना का नाम नूर जहां है फना का कमर है फना का मुसलमान है कहा मुसलमान है कहा जा रही है, पता चला है कि इनकी जो तवयफों की सबसे बड़ी हेड है आज उसकी हवेली में कोई शादी की मगनी या कोई तकरीब है कहा अच्छा ये मुसलमान औरतें लड़कियां और इनका इज्तम है कि मैं आज इनको सुधारूंगा मैं गवारा नहीं कर सकता ये मेरी मुसलमान लड़कियां अचानना में जाए आरामकारी करे और इस्माइल अपने आंखों से आए दुनिया खामोश है लेकिन इस्माइल खामोश नहीं रह सकता लोगों ने कहा वो शैतानों का अड्डा है वहां गए तो क्या होगा काम आना काम ही है शैतानों का भगाना मैं जरूर चाहूंगा लोगों ने बहुत रोका अरे नहीं जाओ अरे भाई क्यों तो नहीं जाए लोग क्या कहेंगे लोग जो कुछ कहें कहते रहे लेकिन मुझे इस बात का ये एहसास है, है नौजवानों ये किस्सा बता रहा हूँ हमारे अंदर एहसास हो नौजवानों एहसास पैदा करो अपनी जिम्मेदारी के एहसास अल्लाह करे आज इतनी बड़ी जमात है लेकिन किताब सुन्नत की दावत देने के इतने मदारिस इतने मसाजिद इतने इतना इतने किसके बरकत से है सिर्फ एक नौजवान है साई इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह रहमत कहा कि कोई कुछ भी करे मैं तो इस दिन को रोकूंगा कहा लोग पता नहीं क्या कहेंगे कहा लोग क्या कहेंगे छोड़ो मुझे इस बात का डर है कि लोग तो क्या कहेंगे लेकिन हम के दिन हम क़यामत के दिन जब अल्लाह ताला के सामने खड़े होंगे तो उस वक्त अल्लाह ये न पूछे इस्माइल अपनी आंखों से इन औरतों को हरामकारी में देखा तो तुमने मना क्यों नहीं किया था लगे हमें इस अल्लाह ताला के इस सवाल का डर है मैं तो जाऊंगा और इस चीज को से मैं रोकूंगा शाह इसमाइल सही सारे दिल्ली के रिश्तेदार तारे अधिक मिलकर मिल करके रोक रहे थे लेकिन उपास नहीं आए गए अपना कपड़ा उतारा फटे पुराने कपड़े लिए फकीरों का लेबास बनाया और उन औरतों के जहां मालूम था कि यहाँ आए वहां जा करके दरवाजा पीटा कौन कोई सदा सुनाने वाला आया हुआ है दरवाजा खोला गया ऊपर ही उनका प्रोग्राम चल रहा है और नीचे शहर में खड़े हुए कहने लगे वो दरोहा था बोलने वाली जो आई थी वो दौड़ी गई अरे कोई बहुत बड़ा फकीर आया हुआ है तो ये आया हुआ है कहा ये पांच पैसा उसको दो ले जाओ पैसा देने के लिए आई शाह ने कहा भाई हमें हम लेंगे जरूर पैसा लेकिन पहले अपने सदा सुनाएंगे उसके बाद पैसा लेंगे लाह अकबर एक नौजवान इतने बड़े हिंदुस्तान में इनकलाब आया मुआशरे की सलाह कैसी हुई वापस लौटा दिया वो गई जो हेड थी जिसके घर में तकलीफ थी महारानी जो बैठी हुई है उसने कहा क्या हुआ कहने लगी कि वो तो बड़ा टेढ़ा फकीर हो गया था पहले मैं सदा सुनाता हूं उसके बाद पैसा लेता हूँ बस चाचा उसको बुलाओ जैसे ऊपर शाह साहब गए लिबास तो फकीरों का पहने थे लेकिन उसने चेहरा देख करके बहुत सारी पेशावर औरतों पर पहुंचा अरे ये तो शाह का पोता लग रहा है अब्दुल गनी का बेटा हाँ बड़े मौना जो अब्दुल है, उनका भतीजा है ये, अरे आपका आना कैसे हुआ कहा बस आना हुआ है कुछ सदा सुनाना चाहता हूँ आपको आप जो चाहे प्रोग्राम करें लेकिन मुझे कुछ कहने की इजाजत दे दे उसके बाद मैं जाऊंगा जो चौरा करना तुम तो। एक नौजवान का एहसास था फौरी तौर पर बड़ी बीनी दिया बैठे औधब बिल्लाम शैत रजीब खुतबा पढ़ा औधब बिल्ला बिस्मिल्ला व तीन व सैतून व तूर सी नीन वहादल बरदिल अमीन लगत खलकनसानसी हसन तकवी सुब माहफल सान इस सूर तीन की तिलावत थी अपने अच्छे अंदाज में और फिर उस पर तरस दिया जहन्नम के हालात हरामकारियों की, हराम की सदाए अदाब कबर अदाब नार अशर। इस अंदाज़ से बयान किया कि सारी फ्वाशा औरतें बात जो दिल से निकलती है असर रखती है पर नहीं ताकत परवात वगैरह रखती है सुन करके रो पड़ी और ऐसी डरी कि अब क्या करें हम शाह ने जब देखा इनको अपने जरायम का अपने जिंदगी भर के गुनाहों का एहसास हो गया है तो उन्होंने फिर तौबा का रास्ता बताया तौबे की फजीलत तौबे की अहमियत तौबे की अजमत बयान की इस्तिग़फार की फजीलत बयान किया कुछ वाक्यात से बयान की जिसकी बिना पर वो सारी हरामकारी करने वाली दिल्ली की औरतों ने वही खड़े होकर के तौबा किया और उनसे वादा किया कि अब हमारे दीन सीखने का इंतजाम करें और हम आज ही से सारी आरामकारिया से बाद आ शाह रहा ने, शाह साहब शाह इस्माइल शहीद वो हिंदुस्तान का पहला नौजवान जिसने बिगड़े हुए माशरे की अठारह सौ तकरीबन बारह के बाद जिसने आवाज उठाई थी उसकी बरकत है कि आज हिंदुस्तान गंदर के अंदर इतने ज्यादा किताब और सुनत दावत देने वाले कबूल करने वाले पढ़ने और पढ़ाने वाले पैदा हो गए आखिर इसी हिंदुस्तान के थे हर नौजवान सोचे हमने क्या किया नौ बहरहाल कमाल तो छ महीने के अंदर अंदर वो सारी फाइशा औरतें तोबा करके दीनदार बनी और हलाल तरीके से शादी की और जो बड़े मजे की बात है वो औरत जो सबके सरदार थी और सबके और लीडर थी और जिसके सारे पर सारी कारियां होती थी उसने ऐसा तौब, ऐसी तौबा की कि जब 1826 में 1826 ईस्वी में जब अंग्रेजों से जिहाद करके इस बल के हिंदुस्तान को आजाद कराने की तहरीक चली याद रखो अह नौजवानों या हमारे अमरा औरंगाबादी मुसलमानों ये मुल्क कराने में सबसे बड़ी कुर्बानी और सबसे पहले जिसने तहरीक चलाई वो जमात अहल हदीस थी वो थे, थे और ये भी याद रखना सबसे ज्यादा जिसकी शाने गई है वो अहले अहदीश शाने थे सबसे ज्यादा जिसके खिलाफ मुकदमे दायर किए गए वो अहले हदीस मुकदमे अहदीश उलमा थे यहाँ तक की इलाहाबाद हमारे यूपी इलाहाबाद के अंदर जो अंग्रेज फौजियों को मार मार करके अठारह सो अथा, सत्तावन में मार मार करके चमुना में ठकेला गया और अंग्रेज फौजियों को भगा करके वहाँ बहादुर शाह दफर का झंडा लहराया गया वो मोना का तरी इलाहाबादी राममतुल्ला थी मेरे भाइयों कहने का मतलब ये था कि जब अठारह सो राय बरेली से, जिहाद के अंग्रेजों से हम बता चाहते थे इस मुल्क को कान खोल को आजाद कराने में सोने बड़ी कुर्बानियां दी है छ लाख जाने गंवाई है ये दाइश के नाम पर दहशत गर्दी के नाम पर धमाका करके इस मुल्क को जो बर्बाद करना चाहते हैं इस मुल्क में जो हंगामा आ रही गारा और इस मुल्क का अमान चाहते है हम हमारी जमात जमेदिश कभी ऐसे लोगों का न साथ देती है न ऐसे लोगों को कबा को हरकत देते हुए कभी बर्दाश्त कर सकती है हम उसके मुखालिफ है क्यों जिस मुल्क को आजाद कराने के लिए हमने जाने दी है दोबारा उस मुल्क को हम बर्बाद नहीं होने देंगे आप अकबर बता रहा था जब 1826 में रायबरेली से ये काफिला निकला हमारा मुजाहिदीन का कि अंग्रेजों से आजाद क्योंकि पर सिखों का कब्जा पूरे हिंदुस्तान में अंग्रेजों का ही कब्जा कहीं से अंग्रेज से जहाद मुश्किल था सरहद इसलिए गए पीछे से पहाड़ियां हैं वहां मुसलमान अब मुजाहिदीन अपना मरकज बनाए जब 1826 में ये जिहाद करने के लिए लोग जा रहे थे अल्लाह अल्लाहबर तो शाह इस्माइल शहीद ने फायशा औरतों को जब जाके दर्श दिया तोबा किया उन्होंने जो उनकी उन्हों हेज़ थी सबसे बड़ी हरामकारी करने वाली इतने सिद्ध के दिल से तोबा किया कि उस औरत ने कहा अगर आप लोग इस मुल्क को आजाद कराने के लिए अंग्रेजों से जिहाद करने के लिए जा रहे हैं तो मुजाहिदीन की खिदमत के लिए हमको भी लेके चले हमको भी लेके चले फौरी तौर पर वो और कहा जाता है सारे लोग रात भर कुछ भी कर कुछ करते थे और वो औरत जो एक जमाने तक हराम मुनकरा में थी।, मुनकरात थी सारी बदमाश औरतों की सरदार थी शाह इसमायल एक नौजवान के वार, नसीहत उनकी तबलीग से वो इतना ज्यादा मुतासिर हुई कि सारे लोग सोते थे और वो रात भर पत्थर वाली जो चक्की आती थी उससे आटा निकाल निकाल करके दिन में मुजाहिदीन के रोटी का इंतजाम करती थी ये मेरे भाइयों एक नौजवान का एहसास था यही तक नहीं ये तो हराम कार्य बिठाया। और उसी नौजवान को सिर के मिटाना है बिदाद मिटानी है उन्हीं अय्याम में उसने बड़ा कारनामा और अंजाम दिया हमें बताना चाहते हैं कि सहाबा के बाद भी नौजवानों ने जब भी कदम उठाया आरे की इस्लाम शिरक को मिटाने बिदात को मिटाने हराम कमा करने के लिए रस्म रवाज को बर्बाद करके शरीयत को गालिब करने के लिए जब भी कोई नौजवान तो खड़ा हुआ है अल्लाह ने उसकी बड़ी मदद की है नौजवानों आज तुम अगर खड़े हो जाओगे तो अल्लाह की कसम आज भी अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा क्यों तो आज से बहुत परे ने ऐलान किया है खड़े हो जाओगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हारे कदमों को खूब जमा देगा अल्लाह की नुसरत साथ है जरूरत हमें खड़े होने की मुआशरे की बुराइयां खत्म करना है शादी की विवाह की खुशी की कमी में जितने गैर इस्लामी चीजें हैं सबका बिठाना हमारा काम है नौजवानों ठा लो अल्लाह तुम्हारी मदद पहले भी किया है आज भी कर रहा है और आइंदा भी इंशाल्लाह करेगा हमारी मदद एक दिन अब उन्हीं का उसी तहरीक का उसी नौजवान का एक और बड़ा हैरतनाक वाकया दर्श करके सा इसमाइल शहीद और उनके कुछ साथी बैठे हुए हैं लोगों ने चारपाई पर एक चादर डाली कुछ सामान रखा और ऊपर से चादर डाली और अब लिया पैर पाया पकड़ा और बड़ी गौर नारे रिशारत नारे रिशारत नारे रिसारत जान में मस्जिद से उठाया और लाल किले में अकबर शाह के सामने ले गए जब जामे मस्जिद से लेके जा रहे थे तो सारे लोग खड़े हो गए नौजवान, जिसको एहसास था ये सिर, ये कुफर ये विदा दहली में हो रहा है क्या मत के अल्लाह तारा हमसे पूछेगा कि इस्माइल ये सब हो रहा था तू क्या हो? हो था? तो मैं क्या जवाब दूंगा सारी दुनिया खड़ी हो गई जाम मस्जिद की और वो अपने साथियों के साथ ऐसे इतमान के साथ बैठे मजे में उठाने वालों ने इसे घिर करके देखा वहीदुल कभी अबसार इम लम्बा समय उदिख तो ईद की बातें होती थे ऐसे घेरते मालूम पाता कच्चा आप कुछ आपको चबा डालेंगे शाहब ने कोई परवाह नहीं की जाओ अब रोते हुए रोत आना तो बड़े शौक से ले जाते थे आज गए तो रोते ही वे अकबर सानी भी परेशान है आज हमारे पास क्या रोजाना तो हंसते आते थे और आज तो ये माल रोते हुए कोई जनादा लेके आ रहे हैं लेके आए तो रख दिया वहाँ अकबर ने कहा क्या पूछा कहा तो वो मौलवी इस्माइल और उसके साथियों ने इन आसार की तोहन कर दी आसार क्या थे मशहूर ये कर दिया कि नबी राम का जूता नाले मुबारक है अंगूठी मुबारक है जूता मुबारक है मुबारक है और कुर्ता मुबारक है और जाके देखो तो सब रामपुर का बना हुआ है कोई भी मेड इन मदीना नहीं ये सब जो है इंडिया वो भी जो है रामपुर है अल्लाह अकबर देखने से पता चलता है तो उसको देख करके हर एक को खड़ा हो जाना था साहब नहीं खड़े हुए अकबर शाह सानी के सामने जब आए रोते हुए क्या किया ओ मौलवी अब्दुल अज़ीज़ का या मौलवी इस्माइल का जो बेटा मौली वलीउल्लाह का जो पोता है शाह वलीउल्लाह का उसने बड़ी गुस्ताखी की है हैं है? आसार की इज्जत नहीं किया आका अगर उसको ऐसे छोड़ दिया गया तो पूरे मुल्क को तबाह कर देगा उसके साथ कोई सख्त कार्रवाई करे बड़े रोते हुए ऐ शाह इस्माइल की शिकायत की अकबर शाहसानी ने वारंट जारी किया कि मौलवी इस्माइल लाल किले में पर कल जो है वो आकर के हाजिर हुआ वारंट मिला दिल्ली के अंदर बात आम हो गई अरे उनके नाम तो वारंट है और इनकी गर्दन अब मार दी जाएगी शाह इस्माइल शहीद को लोगों ने कहा आप कुछ सिफारसी लेटर ले ले डर है कि आप गए तो, तो हीद सुन्नत की आप अकेले दावत दे रहे हैं और आपको खत्म कर डालेगा इसलिए आप कोई सिफारसी को लेटर ले ले शाह इस्माइल शहीद ने कहा कुलन युसीवाना इल्ला मा मैं जाऊंगा और पूरा पूरा उसको जवाब दूंगा हम तौहीद की दावत वहां देंगे वहां भी শিরक और बिदआत के खिलाफ हम बातें करेंगे अंत का वादा है लैन युसीबा इल्ला मा كتب الله لنا मुसीबत हमको पहुंचेगी जो अल्लाह ने हमारे नसीब में लिखा है अकबर शाह हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता गए अकबर शाह सानी के दरबार में पहुंच गए लाल किला के अंदर शहजादे बैठे वज्रा आए और खुशसान बान के साथ तलवार सामने रखी जल्लाद बुलाया गया शाह इसमाइल शहीद ये है मेरे भाईयों आज जो इस स्टेज पर उलमा आकर के तकरीर करते हैं और आपको नसीहत करते हैं ये सारा कमाल ये सारी बरकत अजहरपालमीर ने शाह इस्माइल शहीद की बरकत से हमें दिया है कुफर के साथ समझौता ना किया आराम के साथ समझौता किया किताब सुन्नत की दावत देना है शिरकत को, को मिटाना है हराम से मिटाना है और यह माशरे के अंदर जो औरतें अपनी इफ्जत और नामोद को खत्म कर चुकी है अपने बने को आरामकारी से रोकना है यह एहसास एक नौजवान के अंदर हुआ शाह इसमाइल पहुंचे सलाम किया अकबर ने कहा इस्माइल तुमने क्या किया कहा कुछ नहीं क्या किया आपको क्या पता चला कहा कि तुम बड़े गुस्ताखी की है कहा मैं तो गुस्ताखी नहीं करता गुस्ताखी तो आप लोग करते हैं अल्लाह कबारे है अफसर जहादी करे मतो सुल्तान तरबार रखे है बादशाह का दरबार है जल्लाद गर्दन मारने के लिए खड़ा है लेकिन अगर वहां कह दे नहीं मैंने कुछ नहीं कहा तो शमूमी की एक सदियों के लिए हक दफना दिया जाता ऐसे मौके पर इस्तेकामत की जरूरत है कहा मैंने कोई तो नहीं किया अल्लाह के रसूल की क्यों नहीं खड़े हुए कहा साहब मैं तो नहीं करता आप लोग करते कहा कैसे कहा कि बुखारी है जिन मोलो ने शिकायत दिया है उनसे कहो किताबुल्ला लाने और सही बुखारी लेकर के आए गए लोग अकबर ने करारदाद पास किया भाई इसकी गर्दन मारने के पहले पहले सदा सुनाने के पहले पहले है? ये कहता है बुखारी और कुरान पाक चाहिए लाए गए कुरान पाक भी लाया इसम ले बादशाह सलामत है बुखारी लाए वो भी रख ले अब बादशाह ने कहा मुझे इस्माइल खोल करके दिखाएं कहा के खोल के मैं बाद में दिखाऊंगा लेकिन <laughs> मेरा सवाल हाँ कहा क्या कहा इन उल्मा से पूछें इस कुरान पाक में हर्फ ब ये सारे हर्फ किसके हैं लोगों ने कहा अल्लाह के ये हदीसें किसकी कहा नबी की कहा अल्लाह के कुरान ये अल्लाह का कलाम इसके होने में किसी को शक है नहीं जिसने शक किया काफिर कहा अच्छा ये बुखारी में जितने रसूल रसूल्ला है क्या इसमें शक है कि ये भी अल्लाह के रसूल के जबान मुबारक से निकले हुए हैं कहा ये भी दुरुस्त है इसका भी इनकार कुफ रहे कहा अब आपसे हम पूछते ही ये जूता रामपुर का बना हुआ है ये रुमाल जो है फना कंपनी का खरीदा हुआ लग रहा है ये तो अल्लाह के रसूल के है ही नहीं है ये झूठे आते हैं तो आप लोग खड़े होते हैं और ये बुखारी और मुस्लिम जो असली बरकत वाली आते हैं तो आप लोग बैठे रहते हैं अब आप बताएं, आप लोग तो हीन कर रहे हैं अल्लाह की किताब की नबी के रसूल की कि मैं कर रहा हूँ हम तो नकली समझते हैं उनको बनाते हैं इसलिए हम खड़े नहीं होते और आप तो अच्छी चीजों को अगर आप लोग सही मानो में नबी की अजमत करते के दावेदार है तो झूठी चीजों के बजा सौ तो सच्ची है इनको देख करके खड़े नहीं होते इतना कहना था अब एक एक मोल भी जो है दिल्ली वाला फगा कहीं ऐसा ना हो तलवार उसके बजाय मेरे गर्दन पर आ जाए क्यों इसने तो बादशाह को ऐसे दरेल दी है कि बादशाह मान गया है अब हमारी नहीं शाह फगे दरबार खाली बेटे शहजादे वजीर ये वो सारे बैठे हुए अब शाह इसमायल शहीद राम ने दर्श दिया तकरीर की तोहहीद बयान किया अब रसूल बयान किया की अदमत तोमत का मकाम मरतबा बयान किया जन्नत चहन्नम अदाब कबर मौत का तस्करा किया और ऐसा बयान किया कि अकबर सासानी भी रो चुका शहदादे भी रोने लगे जब खूब अच्छी तरह से रो लेने लगे तो शाहजहा ने कहा बादशाह सलामत ये आपने जो रेशमी लिबास पहना है ये भी अल्लाह के रसूल ने आराम करार दिया है और वो रिश्वत खोर ने आज तक आपको नहीं बताया हाँ ये भी हराम है ये भी है अल्लाह के हदीस ये बुखारी में रखा हुआ बहरहाल उसको निकाला निकाल के फारिक हुआ तो माशाल्लाह देखा सोने का कड़ा सहदादों के हाथ में बादशाह सलामत जैसे रेशमी लिबास हराम है वैसे ये सोने का कड़ा भी मर्दों के लिए हराम है शहजादों ने वो भी निकाला फिर आखिर में शाह अल्लाह कैसी हिम्मत कैसी चुरात देता है जबकि इंसान के अंदर नौजवानों में अपनी सिप में दारे साफ हो तो अल्लाह बता रहा उसकी मदद करता है जब सब कुछ निकाल के फेंका तो साहब ने कहा ये जितने सहदादे तरमुंडे बैठे हुए हैं ये भी नबी की सुन्नत के खिलाफ कर रहे हैं। इनको भी दाढ़ी रखनी चाहिए बहुत बातें हुई तो वो सारे सोने के कड़े जो थे इकट्ठा करके अकबर शाह ने दिया साहब को साह साहब शाहब ले लें मैं क्यों नू तुमको मना किया मैं क्यों नू बाहर जाने के बाद गरीबों को दे देना का उन मोलियों को देना जो आपको पहनने का फतवा दिए थे अगर मैं इसको ले लूंगा और गरीब को भी दे दूंगा तो ये सारे मौलवी तुम्हारे कहेंगे कि सब ले करके चला गया और बेच करके खा रहा है इसलिए मैं हाथ नहीं लगाता उन्हीं मोरियो के जरिए आप इसको आगे पहुंचाएं मेरे भाइयों इस तरह से अलहमदुल्ला सुम्मा सा रहमतुल्लाह शाहब एक नौजवान थे जो अठारह में शहीद हुए और शहादत के पहले पहले उन्होंने दावत का काम शुरू किया इसलाह मुआशरा का काम शुरू किया हालत तो ये है उन्होंने साहब ने सौ तकरीबन सत्रह के अंदर ईमान किताब लिखी अकीदे की इसलाह के लिए तो सबको तो जाने दे मोना शाहफी रिथानवी के शेख पीर मोना अब्दुल रशीद गंगोही रहा कहते हैं पता नहीं कितने लोगों ने शाह इसमाइल सईद के दर्श और उनकी इस ईमान से फायदा उठाया कहते हैं मैंने जो तजर्बा किया कम से कम दो ढाई करोड़ मुसलमानों ने तकवतुल ईमान पढ़ करके अपने अकीदे की इसलाह किया मेरे भाइयों इस तरह की बातें बहुत ज्यादा हैं लेकिन हम अपने नौजवानों को बताना है चाहते हैं कि हिंदुस्तान अंदर ये इनकलाब जो शुरू किया गया एक नौजवान खड़ा हुआ इसमाइल शहीद जो था और उसने ऐसी तहरीक चलाई मुआरे की इसलाह अकीदे की इसलाह अकीदे की इसला, अमल की हराम हरामको का खात्मा रस्म रवाज को मिटाना हिंदुआनी रसूम गैर इस्लामी तौर तरीके जो मुसलमानों में आ गए थे उन तमाम चीजों को खत्म करके एक इसला कायम किया और आज कायम है आइंदा भी इन कायम रहेगा जरूरत है नौजवानों तुम्हारे अंदर अपने एहसास का लेकिन मुश्किल क्या है कवादी हमने जो असलाब से बाई थी से पर ने हमको दे मारा ये हमारे असलाफ थे इन्होंने हमें बहुत बड़ा सरमाया दिया था बहुत सारे रास्ते हमारे लिए हमवार किए थे लेकिन हमने हमारे अंदर जब एहसास खत्म हुआ अपनी जिम्मेदारी के एहसास खत्म हुआ तो आज दुनिया के अंदर फिर दोबारा विदात सिर कुफर सलालत, हराम हरामकारियाँ और बाप दादा के रूमरवाज फिर दोबारा तो ये तेजी के साथ प्रवाज पा रहे आपकी जिम्मेदारी है इन तमाम चीजों का मिठाना इनको खत्म करना और लेकिन मुश्किल क्या है हमने जो तजर्बा किया हमारे नौजवानों में आखिर ये दरा से एहसास कैसे कम हुआ कैसे हुआ हम नहीं कहते ये होंगे ये होंगे नहीं नहीं पहले से भी हमारे अंदर एहसास है तो मैं इतने तजर्बा किया हमारे यहाँ नौजवान चार किस्म के कितने किस्म के बेटे हाँ हाँ चार किस्म के नंबर एक एक गिरोह तो है जो माशा बहुत एहसास है एहसास है और करना भी चाहता है और वही कर भी रहे हैं अल्लाह उन्हें इसकामत नशीब फरमाए और उन्हीं नौजवानों का एहसास है तो इस किस्म क्या प्रोग्राम रखा और बराबर रखते ही नौजवान हमारे जो दूसरी किस्म जो है नौजवानों की वो है ओ करना तो चाहते हैं करना चाहते हैं लेकिन कहते हैं हमको जमात करने नहीं देती क्या कह रहे भाई है ऐसा कि नहीं है करना तो चाहती है लेकिन जमात करना नहीं चाहती इसलिए क्या करते हैं हम किसी का साथ देते ही नहीं मेरे भाई हम तो पूरी दुनिया का दौरा ऑस्ट्रेलिया से लेकर के स्काटलैंड तक हमने तो कभी नहीं देखा कि जमात किसी को काम करने से रोक रही हो जमात तो कभी नहीं रोकती बल्कि जमात तो काम करने वालों को बुलाती है वो चाहती है काम करो लेकिन मुश्किल क्या है कभी आप उस अंदाज से करना चाहते हैं जो मनाज वो तरीके से हटा होता है इसीलिए आपको सिर्फ उस तरीके से रोकते हैं वरना अल्हम्दुलिल्लाह जमात का काम करने से कोई जमाती आपको रोकता नहीं इसलिए उन नौजवानों से हम अपील करते हैं कि अगर जिम्मेदार और जमात के चंद अफराद आप किसी अंदाज से कुछ करना चाहते हैं इस स्टेज पर मसलन किसी को बुलाना चाहते हैं और जमात के अफरा मुनासिब नहीं समझ रहे हैं कुछ हालात कुछ परेशानियां और कुछ जिम्मेदारी के तकादे होंगे अगर जमात मना कर रही है तो मेरे भाइयों आपको काम करने से नहीं मना कर रही है एक जुद्वी चीज से मना कर रही है इसको इसके जरिए आप जमात को बदनाम करें और अक्सर छोड़ छाड़ करके सब अकेले बैठ जाएं ए ये गलत तरीका है मैं कहता हूँ अल्हमदिल्ला जमात कभी किसी नौजवान को हम नहीं समझते काम करने से मना कर है बल्कि हम तो ये कहते हैं ला हमारी जमात में काम करने वाले नौजवानों की जितनी कदर है शायद किसी और जमात में नहीं है हमारी जमात में नौजवान काम करना चाहता है उसको स्टेज दिया जाता है उसको सेंटर दिया जाता है उसको कुर्सी दी जाती है उसको मौका दिया जाता है और दूसरों के यहां नौजवान काम करना चाहता है तो पैर दबवाया जाता है उससे बस नहीं तुम्हारा काम काम नहीं करना है हजरत का पैर दबाते रहो और हमें पता कब चला एक साहब तकवीर सुने ऐसे जलसे में खड़े हुए हजरत हमें आपसे तनहाई में मिलना है मैंने कहा कहीं बीवी का शोहर का झगड़ा होगा आए नहीं आप जरा लेट जाएं मैं आपका पैर दबाना चाहता हूं मैंने कहा क्यों कहा हमने फला साहब का सारी जिंदगी दबाया अब चाहते हैं कि आप मैंने कहा भाई देखो हम लोग पैर दबवाने वाले नहीं लाने वाली टांगे बड़ी मजबूत रखी है समझ गए ना हम लोग दबवाते रहे क्यों नहीं नहीं हाँ वो तो यही हम सारे नौजवानों को उसी पर पारी लगा रखा है पता चल गया नौजवानों का इस्तेमाल गलत करते हैं जमात हमारी जमात तो नौजवानों को स्टेज देती है लेकिन मुश्किल ये है कोई हरकत आप ऐसे कर रहे हैं, आपको उस हरकत को दूर करके जमात का काम करना चाहे आप करें अल्हम्दुलिल्लाह आपका जमात इस्तकबाल करती है तीसरे किस्मे के नौजवान जो है मेरे भाई वो क्या है जमात काम नहीं करती इसलिए हम अलग काम ने, हमने शुरू कर दिया लो मेरे भाई जमात काम नहीं करती इसलिए हमने अलग काम शुरू कर दिया अलग भी नहीं करते और जमात का साथ भी नहीं देते आप अगर जमात से अलग अलग, अलग चले जाए हर आदमी थोड़ी थोड़ी बात में अगर अलग जमात बना के काम करने लगे तो मेरे भाई सब के सब अल्लाह ताला की रहमत से महरूम हो जाएंगे क्यों अल्लाह अगर अल्लाह के रसूल ने रमाया अल जमा तो ऐ लोगो मिल कर के काम करने में इतफाक और इतिहाद के साथ थोड़ी थोड़ी लद्दिशें जो होती है खत्म करके मिल के साथ काम करने वालों पर अल्लाह ताला अपनी रहमतें नादिल करता है दूसरी रवायत क्या है बड़ी प्यारी ऐ या या लोगो चमात पर अल्लाह ताला का हाथ होता है तो मेरे भाइयों आप अलहमदुल्ल आप काम करें थोड़ी थोड़ी बातों से जमात से अलहदगी इख्तियार ना करें चौथा गिरोह चौथा गिरोह जो हमारे नौजवानों का है जिनसे हम अपील करते हैं वो क्या करते हैं अल्लाह अकबर वो काम करने का शौक और वजबा तो रखते है लेकिन नेट के जरिए व्हाट्सएप के जरिए वाह और इसी तरह से पता नहीं फेसबुक या बुक फेस क्या कहा जाता है इन चीजों के जरिए गलत तनबीमों के वो शिकार हो जाते हैं। मेरे भाई अल्लाहरबुल ने आपको एक स्टेज दिया है एक जमात दिया है आपके पास उर्मा है अगर कोई मामला कोई चीज आप देख रहे हैं कि आप फरा चीज आ लोग काम कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हमारी जमात कुछ नहीं कर रही है क्या कर रही है ओ स्कूल कायम कर रही है और रेफाई काम बहुत कर रही है मेरे भाई रेफाई काम तो पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का पूरी दुनिया में सब जरा मदर ने किया था इसलिए आप अपनी क्योंकि फला रेफाई काम बहुत कर रही है मेरे भाई मैंने जो मैं कहता हूँ जरा सोचो रेफाई काम हिंदू भी कर रहा है ईसाई भी कर रहा है लेकिन सवाल है तो दावत तुम दे रहे हो दुनिया में और कौन देर आय दे बताओ सबसे बड़ा काम तो, तो सुन्नत है सुन तो सुन्नत से बड़ा काम और कौन कर रहा है जो अपनी जमात को छोड़ करके दूसरे के साथ जाना चाहे ठंडे तो दिल से सोचो तोहैद अवर है वही आखिर है इतवाही सुन्नत अहम है इस साथ सोचो इसी तोहिद को फैलाने के लिए अम्बिया आए सिरको को मिटाने के लिए अम्बिया आए बातिल को मिटाने के लिए अंबिया आए जिस काम के लिए अम्बिया आए वो कोई काम ही नहीं फला रिफाही काम करता है इसलिए हम वहाँ चले गए रिफाही काम मेरे भाई तो बहुत सारे लोग कर लेते हैं अंबिया का ये काम है तो तो सुन्नत की दावत देना सिर्फ को विधात को मिटाना महाशरे की इस्लाह करना ये कोई माबूरी काम नहीं है जो आप छोड़ कर कहीं और चाह रहे हैं अल्लाह तारा हमारे नौजवानों को सही तालीम और तरबियत की तोहफी रसी फरमाए इसलिए अगर कोई नौजवान शैतान उसके दिल में सुधा ढाला या किसी तहरीर से किसी के तकरीर से मुतासिर हो गया उल्मा से पूछे उल्मा से मिले और उनसे मिल कर के तबादले ख्याल कर ले हमने ऐसा पढ़ा ऐसा देखा ऐसा सुना ये सही है या गलत तो फस अलू दिक्र इन शाह फसल अहलत बिक्रुम ला तम वमर अरे लोगो मशवरा कर लो अपने बड़ों से मशवरा कर लो वो बता देंगे कि सही क्या है गलत क्या है अल्लाह ताला से दुआ करो मेरे ख्याल से टाइम खत्म हो गया है और मेरे भाई आज कहते पता कैसे चलेगी कौन सच हक पर है सबसे बड़ी मुसीबत क्या है पता कैसे कि कौन सही कह मेरे भाई बिल्कुल बात वाजे है साहब एक ने पूछा यार रसूल अल्लाह आपने फरमाया मैं यशमिन कुम फसा जा रहा इख्तराफन का सीरा ऐ लोग लोगों हमारे बाद तुम में जो जिंदा रहेगा बड़े इख्तराफा उम्मत में देखेगा साहब एक ने सुर हम क्या खन है उस इख्तराफ के वक्त आर फरमाया बेहतरीन पहचान है अरे कुम्भ सुन्नति व सुन्नत अल्फुल्फ़ा राशिदीन अलमहदीन हमारा तरीका और हमारे फुल्फ़ा राशिदीन का तरीका पकड़ लेना मेरे भाई जमात हक्का नबी रेसरा शाम से पूछा गया यार रसूल्ला और कौन हक हाँ पर जमात है जिसके बारे में आप शहादत दे रहे हैं क्या उसकी अलामत है आप साथ सा माँ अना वाह मेरे तरीके पर हमारे सहाबा के तरीके पर जो होगा उसी जमात के साथ जुड़ करके मिल करके रहना अगर मेरे भाईयों की इख्तियार करोगे तो मुस्द अहमद बिन हम्बल की हदीस एक चीज याद रखना अल्लाह रसूल ने अरे कुम्बिल जमाते का साथ नहीं छोड़ना चार चीजें अल्लाह रसूल ने बयान की हमारे अहले नौजवानों याद रखो अल्लाह रसूल ने फरमाया अरे बिल चमहते वल चुम अरे कुम बिल चमहते वल चुम वल चम वल मसाजिद लोगो चार चीजें अगर तुम चाहते हो कि शैतान और शैतान चिन के नरगे से अगर शैतानी हरकतों से शैतानी रास्तों से तुम बचना चाहते हो तो चार चीजों के खास ख्याल रखना नंबर एक अल्लाह रसूल शास्त्र में अलही कुंबिल चमान अपनी चमात को, छोड़ना। को नहीं छोड़ना नंबर दो अल कु चुम आते अपने चुमे को अपना चुमा नहीं छोड़ना चुमे के साथ जुमा अपने हाँ पढ़ते रहना नंबर चार आती जो बाजमात नमाज होती है बाजमात नमाज नहीं तरक करना नहीं नहीं हमारे उस मस्जिद के लोगों से अमीर से मिलती रही बनती रही इसलिए मैं नहीं जाता जमात जमात बस वक्त नमाज की जमात जुमे की जमात आगे आपने साथ रमाया अल्लाह अकबर अरे कुम चम जय इनको छोड़ना नहीं मसाजिद मस्जिदों से रिश्ता नहीं तोड़ना मस्जिद जहां दर्श कुरान दर्श हदीस दीनी बातें जुमे के खुतबे होते हैं कभी अपनी जमा छोड़ना ना अपनी मस्जिद छोड़ना ना न पचवकता जमात तरक् करना बात पढ़ना इन तमाम चीजों की पाबंदी अगर हम करते रहेंगे तो इनशा हर किस्म के फितने से हम बचेंगे जमात से जुड़े रहेंगे और अल्लाह फरमाए जहाँ इसको छोड़ोगे शैतान तुम्हें उचक लेगा शैतान कभी दाइश में ले जाएगा पता नहीं आई एस आई एस यही नाम है ना आई एस आई। जो इस्लाम के दुश्मन अहले तोहहीद के दुश्मन किताबुल्लाह के दुश्मन सुन्नत रसूल के दुश्मन यहूद के एजेंट इस्लाम दुनिया इस्लाम आदाए इस्लाम के एजेंट आज उनके हाथों कौन चढ़ता है जो जमात को छोड़ देता है जो मस्जिद हमारी छोड़ता है जो हमारे हम, हमारी मस्जिदों के में नमाज पढ़ना गवारा नहीं करता शैतान इंस या शेती दोनों में से कोई आपको शक लेगा इन तमाम चीजों से बचते हुए नौजवानों से अपील करेंगे हमें चाहिए कि इस्लाह मुआशरा की कोशिश करो सबसे पहले तौहीद के लिए मेहनत करो इतवा इत्व, सुन्नत की दावत के लिए मेहनत करो कुफ्र और शिर्क को मिटाने के लिए बाप दादा के रसमरबात को मिटाने के लिए सारे बातिल चीजें हमारे मुआशरे में जो है उनके खात्मे की कोशिश करो अल्लाह दाल हमारी मदद करेगा لا تعال هم سب کو مل کی توفیق نصیب فرمائے باقی پھر کبھی انشاءاللہ آئندہ اقول قولی ادا واستغفر الله من كل ذنب واتوب الیہ